सर हाँ बोलो सर बोलो सर सर ये पूछना था, एरे को डिक्लेयर तो नहीं करना ना, क्योंकि उसने कहा देर इज एन एरे, मतलब पहले से है एरे। बोलो। बस बात खत्म हो गई, पहले ओके ब्रो, है तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं करना। ओके ब्रो। बाजू तुम्हारा आगे सामान मेरे पास, मैं देख रहा हूँ। बेहतरीन अली बाजू, सही है सारा। आश्रम चेक करूं तुम्हारा, आज कुछ चीजें तुमने इसमें गलत की हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देख लो। सबसे पहली चीज, देर इज एन एरे का मतलब ये होता है कि एक एरे में पहले से नंबर्स स्टोर हुए हुए हैं। पहली चीज हो गई, तो मतलब तुम्हें इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद तुमने ये किया है एल एफ। एल एफ तो कोई चीज होती नहीं है। पहली चीज, मैं तुम्हें एक वो भेज रहा हूँ तस्वीर, अगर एल एफ लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं वो देखो उसको जरा। मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, जरा उसको देख लेना। ग्रुप पे देखो जरा आशिम, एल्सिफ को ऐसे लिखते हैं जैसे ये बेसिकली आपकी मार्च थीम की वर्डिंग है, तो इसमें एल्स लिखोगे फिर नीचे इफ आके बैलेंस ग्रेटर देन 5, ये बेसिकली एल्सिफ होता है हमारा। और तुमने जो किया हुआ इसमें बिल्कुल ही अलग ही सीन है। एलिफ एलिफ, वैसे लॉजिक तुम्हारी सही है, तुमने सब सही किया है, और एक नहीं गलत किया बल्कि, सॉरी। नहीं हाशिम, पूरा कोड गलत किया हुआ है। तुम्हें इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, तुमने बेसिक, तुमने क्या किया है? नहीं, हाशिम गलत किया हुआ है, फिर से ट्राई करो इसका। हाशिम देखो, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, हाँ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उन पे फोकस रखना। अली वाजिद देख लो, ये मार्क्सिंग की वर्डिंग है, बेहतर है ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है। और दूसरे, वैसे जो तुमने लिखा वैसे वो चलता है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसका इतना बड़ा, और उससे बेहतर ये है कि लाइन बच जाती है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, अगर करना चाहो तो बेहतर ही है। अच्छा हाशिम, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें, उन पर फोकस रखना है। पहली चीज़ आपका, आप क्या करोगे, सिर्फ थोड़ी बहुत हिंट दे रहा हूँ मैं, एक तो इनपुट नहीं लेना, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करो। मैं कुछ पूरा नहीं कोड बता रहा, बस मैं बस बेसिक तुम्हें समझा रहा हूँ। इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करो, और जो कंडीशन लगाओगे ना, सिलेक्शन स्टेटमेंट लगाओ, वो उस इंडिविजुअल एलिमेंट की लगा दो। अब देखते कितना समझ आया तुम्हें। तहान सारी मैं तुम्हारा देख रहा हूँ।
हाँ अंसारी साहब, आप जो हैं वो छा गए हैं, बेहतरीन। अच्छा यार ये मुझे बताएं, तुम ये यूज़ क्या करते हो, चीज़ क्या जिस पे लिखा हुआ तुमने कोड? वैसे सब सही है, वैसे कंडीशन जो तुम नीचे ले गए ना, एलसीडी टैबलेट है, मतलब क्या मतलब पेन वेन के साथ है या सिर्फ लिखने के लिए है? अब्दुल्ला खान साहब आज इतनी खूबसूरती कोड में कोड पढ़ता हूँ मैं। सही, मतलब सिर्फ लिखने का ही ऑप्शन है या कोई एप्स वेप्स भी चलते हैं इस पर? या वैसे अच्छा श्योर अभी आज जल्दी थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। चलो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2D एरेज। सबसे पहली चीज हमें समझनी है 1D एरे का फुल फॉर्म क्या था। जल्दी से कोई चैट पे जवाब दे मुझे, 1D एरे का फुल फॉर्म क्या था? वन डायरेक्शनल, डायमेंशनल, डायमेंशन होती है ना, डायमेंशनल। चलो बेहतरीन। सो 2D एरे क्या है? 2 डायमेंशनल होगा, वन डायरेक्शन नहीं है। हिमाचल अभी तो शुरू ही नहीं है, और ये ओ लेवल्स का भी, ए लेवल्स का तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है हिमाचल। चलो जी, 2D एरेज इज अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे। इट स्टोर्स डेटा इन अ फॉर्मेट, इन अ फॉर्मेट कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वन डी एरे को पहले देख लेते हैं एक नजर जल्दी से। ये था आपका 1D एरे, एक इंडेक्स पे एक चीज स्टोर हो रही थी ऐसे ही। अब हम देखते हैं जल्दी से 2D एरे दिखता कैसे है, क्या मतलब है मेरा रोज इन कॉलम से, मल्टी डायमेंशनल से क्या मतलब है, वो सब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिखता कैसा है, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए मुझसे। ये लो जी आपके सामने पेश है 2D एरे। अब देखो इनको लेबल कर देते हैं, इनकी अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अच्छा अब अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि ये जो है ये बेसिकली क्या है, कॉलम्स हैं आपके, कौन से ऊपर वाली चीज है? ये सब क्या है? कॉलम्स हैं। और ये सब क्या है? खा भी, ये सब आपकी रोज है भाई। किसी को इसमें तो मसला नहीं होता ना, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं? चैट पे जवाब दो जल्दी, रोज कॉलम को तो पता है ना सबको। क्या यस सर। बात है भाई, चलो बेहतरीन। सही है, इसमें होती है बेसिकली रोज और कॉलम्स, सब चीजें सेम है। अब देखो अगर मैं कहूँ इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, ये देखो सबसे पहले एरे का नाम, यहाँ पे एरे के नाम सपोज कर लेते हैं नंबर्स। नंबर्स क्या है? इस पर्टिकुलर एरे का नाम है। सपोज करो मुझे ये 50 जहाँ पे स्टोर हुआ है इसको एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? पहले वही सेम चीज नंबर्स लिखा, एरे का नाम पहले आया। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग 1D एरे में भी इस्तेमाल करते थे, 2D एरे में भी करोगे।
इसके बाद सबसे पहले आएगा रो का नंबर, रोज टू थी, कॉलम थ्री थे, आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। अगर इसकी मैं बात करूं तो इस पे स्टोर हुआ है 50। अच्छा अब सपोज करो यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देता हूँ ऐसे ही रैंडम, 10, 15, -2, 4, 6, -10, 40, 20, 30। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे एक्सेस करके बताओ ये वाला नंबर -10, तो ये बेसिकली कैसे होगा? नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट, मैं इसको पहले सिंटेक्स लिखकर दिखा रहा हूं आपको, रोज कॉमा कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सही, जैसे हम लोग सिर्फ इंडेक्स की पोजीशन डालते थे, इसमें आपको रोज की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन दोनों बतानी पड़ती हैं। कोई इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, सब कॉन्सेप्ट सेम है, सब सवाल सेम है, सब चीजें सेम है, बस आप लोगों को क्या आना चाहिए, रोज और कॉलम वाली लॉजिक आनी चाहिए आपको। चलो अब अगर मैं कहूँ -10 को एक्सेस करने, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? नंबर्स स्क्वेयर ब्रैकेट्स 3, 2 स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू -10 है। अच्छा अब अगर मैं कहता हूँ आपसे कि आपने इस पर्टिकुलर एलिमेंट जहाँ पे मैं अब रेड डॉट लगाने वाला हूँ, इधर मुझे स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है यहाँ पे मुझे, सपोज करो मुझे 20 स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूँगा? देखो जी, नंबर्स स्क्वेयर ब्रैकेट, पहले रोज की वैल्यू फिर कॉलम की वैल्यू इज इक्वल्स टू 20। इतना सा काम है मेरा। अच्छा अब आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, जहां पे भी ये पिंक डॉट है वहां पे आप लोगों ने स्टोर करना है -5। जहां पे भी मैंने पिंक सवाल पिंक डॉट लगाया है वहां पे -5 डालना है। अली वाजिद, पहले रोज की वैल्यू आती है और फिर कॉलम आएगा। सही है, ये किसका आया था? अली वाजिद का है। अच्छा अली वाजिद स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो। कहां सारी बिल्कुल सही, हाशिम साहब बिल्कुल सही, इमाद वैल्यू असाइन करो, वैल्यू असाइन नहीं की भी। हाशिम क्या किया ये तुमने? मैंने कहा था जहां पे ये पिंक डॉट है इसकी रो वैल्यू क्या है, रो वैल्यू तो 2 है, कॉलम वैल्यू क्या है? नहीं, अहमर बिल्कुल सही जवाब। इमाद फिर से ट्राई करो। नहीं मैंने कहा था -5 स्टोर करना है। इमाद जहां पे भी पिंक डॉट है वहां पे -5 स्टोर करना है। हाशिम नहीं, हाँ सही है, अब ठीक है। डोंट वरी। अच्छा अली वाजिद तुम कीबोर्ड पे हो? अच्छा सही है सही है, इमाद ठीक है, समझ गया मैं। अली वाजिद कीबोर्ड पे, अच्छा ठीक है समझ गया, सही, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस अगर आदत है तो फिर बेहतरीन है। समझ आई, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। अब बस हम लोगों ने एक चीज सीखनी है कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, 2D array की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, और बाकी सब चीजें सेम है। सबसे पहली चीज हम फोकस करते हैं केस नंबर 1 पे, जो कि हमने 1D array के अंदर पढ़ा था आपका डिक्लेरेशन। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिर से डिक्लेरेशन, लेकिन इसकी डिक्लेरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अपर बाउंड और लोअर बाउंड तो सबको पता ना, ये 1 से 4 तक अपर बाउंड और लोअर बाउंड है। डिक्लेरेशन ऑफ 2D arrays, हाँ जो जी पहले मैं सिंटेक्स लिख कर दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को ये लो जी सिंटेक्स आ गया आप लोगों का, फिर इस पर्टिकुलर एरे को डिक्लेयर करना सीख लेंगे हम लोग। देखो इसको सबसे पहले क्या आएगा, डिक्लेयर, फिर उसके बाद क्या आएगा, नेम ऑफ एरे, कॉलन, सब चीजें सेम है, यहां तक सब चीजें सेम है जो आपने उसमें पढ़ी थी।
वन डी आर ए के अंदर जो स्टडी किया आप लोगों ने। उसके बाद की अगर हम चीज़ें बात करें वो है आपकी रोज एंड कॉलम्स को हमने डिक्लेयर करना होगा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले रोज को तुम डिक्लेयर करोगे, जो भी रोज की लोअर बाउंड होगी वो पहले आएगी, और उसके बाद कॉलन डाल के उसकी अपर बाउंड रोज की इस एग्जाम्पल के मुताबिक 1 से 4 तक की थी, और इसमें कॉलम्स थे, कॉलम्स की लोअर बाउंड बताओगे जो कि 1 से 4 तक की थी। एक तो ये बंदा आता है सबका फोकस ऐसे हटता है। हाँ पूछो भाई, कुछ पूछना है अगर आपने। सर मैंने क्या किया है सर, मैं आता हूँ तो आप लोग खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वही तो चैट पे देखो सब शुरू हो गए, करने यही आता है भाई। अब्दुल्ला खान इतना काफी है, अहमद नाराज हो जाएगा। क्यों सर, ये क्या बात है सर, 2 DIRA पढ़ने आया था आज, कसम से नहीं आती। चलो पढ़ ये लो, लोअर बाउंड अपर बाउंड बोलिए कि पहले रोज होते हैं कॉलम होता है। चलो पढ़ लो जल्दी से, खत्म करो, रिवाइज कर लो। चलो वापस आ जाओ सब। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने डिक्लेरेशन में सीख रहे हैं 2D arrays की। पहले रोज आएंगे फिर कॉलम्स आएंगे, हमेशा सब याद रखें, पहले रोज आएंगे फिर कॉलम्स आएंगे। पहले रोज को डिक्लेयर करोगे फिर कॉलम को डिक्लेयर करोगे, उसकी लोअर बाउंड और उसकी अपर बाउंड। अच्छा अब एग्जाम्पल देखते हैं इस पर्टिकुलर एरे की जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जो कि नंबर्स वाला एरे था। तो अगर मुझे इसको डिक्लेयर करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले आपकी चीज़ जो कि हमने 1D array में स्टडी की थी, डिक्लेयर। फिर उसके बाद नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे क्या था इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, नंबर्स। फिर क्या था आपका, कॉलन। ये सब आपका 1D array वाला ही है यहाँ तक। इसके बाद आपने लगाया स्क्वेयर ब्रैकेट। अब आपने रोज को वो करना है, अपर बाउंड और उनकी लोअर बाउंड्स को बताना है। तो कैसे बताओगे, रोज की लोअर बाउंड 1 थी, कॉलन अपर बाउंड 4 थी, कॉमा। अब कॉलम्स की बता दो। इस एग्जाम्पल में कॉलम्स की सेम थी इत्तेफाक से, वो जितनी बोले, अगर बोले 500 रोज हैं तो कैसे करोगे, 1 से 500 तक, और कॉलम वो बोले अगर 200 हैं तो 1 से 200 तक कर दोगे। या इस एग्जाम्पल में हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज। और जो डेटा टाइप होगी, जैसे इस सिनेरियो में डेटा टाइप नंबर्स थे सारे, तो इंटीजर्स होगी डेटा टाइप, ऑफ इंटीजर। कोई मसला है इसमें, कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं, बस सिर्फ रोज और कॉलम्स का थोड़ा सा है चेंज इसमें, बाकी सब सेम है। कोई मसला सर, रोज कौन सी होती हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं? ये लो भाई, ये रोज हो गई आपकी, ये कॉलम्स हो गए आपके। याद नहीं रहता तुम्हें? याद रहता है सर, मजाक कर रहे। मुझे याद नहीं रहता था भाई, मस्त सर आज पूरा डेटाबेस रटा है तो। क्या बात है भाई आपकी, भाई चैट पर जवाब दे दो, कोई मसला है इसमें? नो सर, नहीं सर। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ तुम लोगों को, सिर्फ डिक्लेयर करना है, सही? Declare an array of data type string, name होगा उसका names, name of array की बात करूं names है, of 545 rows and 250 columns। जल्दी से डिक्लेयर करके मुझे जवाब दो, चैट पे भेज दो, चैट पे भेजना, चैट पे भेज दो या व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप कर लो। पहले रोज फिर कॉलम्स, पहले रोज फिर कॉलम्स। खाना पढ़ाते पढ़ाते खाते हैं। डिक्लेयर एन एरे, मैं पढ़ रहा हूं अली वाजे, मैं पढ़ रहा हूं। डिक्लेयर
ये क्या किया है भाई? भाई ये डीटी का मतलब है डेटा टाइप, डीटी का मतलब है डेटा टाइप। डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग बताई है मैंने, उस पर्टिकुलर एरे के नाम नेम्स है, 545 रोज हैं, 250 कॉलम्स हैं। हाशिम का आ गया है, हाशिम सही नहीं किया। तहान सारी साहब बिल्कुल सही किया है। हाशिम क्या हो गया तुम्हें, डेटा टाइप तो पढ़ लो। अहमद मैं तुम्हारा चेक कर रहा हूँ, डिक्लेयर सही है, 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 बेहतरीन। अब्दुल्ला खान तुम्हारा चेक कर रहा हूँ, बेहतरीन। अब कौन रह गया ये? इमाद सही करके भेजो मुझे अपना। हाशिम अब तुम्हारा सही है। अली वाजिद कहाँ तक पहुँचे? चलो आ गया तुम्हारा भी, बेहतरीन सही है अली वाजिद। बस अब हाँ इमाद तुम्हारा रह गया, जल्दी से भेजो। गलत है अब्दुल्ला अशफाक, ये सही है, सही है, सही है, सही है। 1 से 250 ऑफ स्ट्रिंग कॉलन एरे। इमाद साहिब इमाद गलत है, इमाद देखो तुम्हारे लिए सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ। एरे का नाम क्या है, एरे नेम इज इक्वल्स टू स्टूडेंट कर दो तुम। एरे डेटा टाइप, स्ट्रिंग 545 रोज, 250 कॉलम्स, इसको डिक्लेयर करना है। इमाद, और मैंने कहा है अपर बाउंड और लोअर बाउंड बतानी पड़ती है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। इस सिनेरियो में देखो कितनी रोज हैं, 4 रोज हैं, तो ये 1 से 4 तक का मैंने डिक्लेयर किया। अगर मैं कहता हूँ 250 रोज थी, तो 1 से 250 तक मैं इसको डिक्लेयर करता। अब इसको फिर से करके तो जल्दी ताकि आगे बढ़ सके। सही जो आपने लिखा है, इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस छोड़ दो। मैं आगे तुम्हारा अब सही किया ना, बेहतरीन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक नोट लिखो जल्दी से, मैंने तुम लोगों को एक पहले एक काम करते हैं इसको, चलो लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। जल्दी से लिखो। अच्छा और सबसे पहली चीज हमें समझनी है कि ये नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं, लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, सब चीजें समझो पहले। सिर्फ ना एक मैं रफली बना रहा हूँ, एक फॉर का लूप लिखा है मैंने, फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to 10, और मैंने कहा फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 5, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, एंड फॉर। चल अब सिर्फ इस बेसिक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
अब सबका फोकस चाहिए मुझे यहाँ पे। चलो एक चीज याद रखो कि फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to 10। सबसे पहली चीज इस टर्मिनोलॉजी को समझो, नेस्टेड लूप्स होते क्या है। नेस्टेड लूप्स का मतलब होता है लूप्स विद इन अ लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप्स। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि अल्लाह भला करे आपका कि जब काउंट की वैल्यू, सबसे पहले आउटर लूप चलता है। एक चीज याद रखो, अब अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की पूरी कोशिश करो। सबसे पहले आउटर लूप चलेगा मतलब काउंट की वैल्यू सबसे पहली दफा क्या होगी, 1 होगी। काउंट की वैल्यू 1 रहेगी और उसके बाद क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा वो। अंदर की तरफ आने के बाद फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 to 5, मतलब पहले ये 5 दफा लूप चलेगा। अब सब गौर से सुने, अंदर वाला लूप 5 दफा चलने के बाद एंड फॉर होगा और फिर से ऊपर जाएगा, फॉर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर नीचे आएगा, फिर 5 दफा चलेगा और फिर एंड फॉर होगा, फिर ऊपर जाएगा, अब काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, नीचे आने के बाद फिर 5 दफा चलेगा, फिर एंड फॉर की तरफ जाएगा और फिर ऊपर आएगा, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर ये होगा 5 दफा, ऐसे करके काउंट की वैल्यू 10। अब मुझे इस सिनेरियो से बताओ अंदर वाला लूप कितनी दफा चलेगा, फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to 10, अंदर वाला लूप कितनी दफा चलेगा, हर दफा वो 5-5 दफा चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाला लूप आपका 50 दफा चलेगा। बिल्कुल सही जवाब सबका। तो इससे हमें क्या समझ आ रही है, इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ आ रही है कि पहले काउंट की वैल्यू 1 होगी, फिर इंडेक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 होगी, फिर उसके बाद काउंट की वैल्यू 2 होगी, फिर से इंडेक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 होगी, फिर काउंट की वैल्यू 3 होगी, इंडेक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 होगी, ऐसी करके चेंजेस आते रहेंगे। मतलब क्या हुआ, सपोज करो काउंट की वैल्यू 1 है, फिर इंडेक्स की वैल्यू पर आएगा वो 1, 2, 3, 4, 5, फिर काउंट की वैल्यू 2 होगी, इंडेक्स की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया कि पहले आउटर लूप का 1 चलेगा, फिर अंदर के 5 चलेंगे, फिर दूसरा चलेगा, फिर अंदर के 5 चलेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। बेहतरीन। अहमर क्लियर है? हाशिम, इमाद सर, तो मतलब अगर नेस्टेड लूप है फॉर इंडेक्स, जैसे कि फॉर काउंट इंडेक्स 1 to 5, मैं हर केस में ये जरूरी है कि जो मतलब काउंट होगा उसका आधा नंबर हम लिखेंगे इंडेक्स में, जैसे कि 1 to 10 है तो फॉर इंडेक्स 1 to 5। नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है ये आपकी मर्जी। तो आपने सिर्फ ये है ना, ये फॉर इंडेक्स 1 to 6 भी हो सकता है, समझाने के। हाँ हाँ हो सकता है, हाँ सही है, हो सकता है। मतलब ये एक जो लूप है फॉर इंडेक्स वाला, उसको आप 10 दफा चला रहे हैं। नहीं, हाँ सही सही सही, मतलब इस पूरे लूप को 10 दफा चलाऊंगा, मतलब 5 दफा एक लूप कंसिडर कर लो, समझ आई? सही, ठीक सर। तो हम आउटर लूप को 1 to 50 क्यों नहीं कर देते? आउटर लूप को मैं बता रहा हूँ बस, अभी सिर्फ मेन लॉजिक जो है ना, इसलिए हम लोगों ने कॉलम और रोज की वैल्यूज को चेंज करना है। देखो अब, देख अब मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट से तुम लोगों को लेके कहाँ जाना चाह रहा हूँ। सपोज करो नंबर की वैल्यू में मुझे सबसे पहली उसमें अपना जो एलिमेंट है, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। ओ भाई ये क्या भेज दिया, बहुत फारे रवाम चल रही है भाई हमारी, है ना। ठीक है भाई, चलो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ, सब सुनो गौर से सुनो, तो इसका मतलब क्या है, नंबर्स 1, 1। अब इसके बाद वाले एलिमेंट की बात करता हूँ, इसके बाद वाले एलिमेंट क्या मतलब है मेरा, इसकी बात करूं, अब मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब क्या है, हेलो जी,
चलो भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। भाई वापस आओ यार, कहाँ गया एरे हमारा। हाँ अब मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो इस एरे में अगर मैं गौर से देखूं तो मेरी पहली वैल्यू जो कि रोज की वैल्यू थी वो सेम है और कॉलम की वैल्यू चेंज हो गई। अब इससे और अगली वाली वैल्यू की बात करूं तो इस सिनेरियो में भी मेरी वन जो रो वैल्यू थी वो सेम है, कॉलम वैल्यू चेंज हो गई। फिर बात करूं मैं उसके अगले वाले एलिमेंट की, 1,4 हो गई। फिर बात करूं नंबर की, बस चार चार रो थी ना उसके अंदर, कॉलम्स उसके अंदर कितने थे, चार थे, तो बस इतना काफी है नंबर 1,4। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये वन, यहाँ पे भी वन सेम है, यहाँ पे भी वन सेम है, यहाँ पे भी वन सेम है, यहाँ पे भी वन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आउटर लूप में हम लोग रोज की वैल्यू चलाएंगे और इनर लूप के अंदर कॉलम वैल्यू से कुछ चेंज हो जा रही है बार बार। एक दफा पूरी चार की चार हो गई है, अब मैंने आपका रोज की वैल्यू को कर दिया 2, कॉलम की वैल्यू फिर से 1 हो गई। कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ। फिर कॉलम की वैल्यू 2 ही रही, अंदर वाला लूप 5 दफा 4 दफा चलता रहेगा। नंबर 2,3, नंबर 2,4। अब देखो चारों मेरी जो रो नंबर 2 थी वो मेरी फुल फिल हो चुकी है, मतलब अब उसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं है। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, लूप से बाहर आऊंगा, जो इनर लूप था उससे बाहर आ गया हूँ। अब मेरी जो आउटर लूप है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो अब वो क्या हो जाएगी, नंबर की वैल्यू 3 हो गई है। अब इनर लूप जो है वो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि मैं ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट मैंने क्यों स्टार्ट कराया तुम लोगों को। अब्दुल्ला खान अब क्लियर है, चलो बेहतरीन हो गया। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक सवाल है बहुत। सवाल ये है, मुझे एक एरे कंस्ट्रक्ट करना है। अब सब गौर से सुने, कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग एंड 500 रोज एंड 45 कॉलम्स एंड इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स। स्ट्रिंग है सही है, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कोई बताएगा मुझे, चैट में जवाब दो, स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। जल्दी चैट पे जवाब दो मुझे, इनिशियलाइज अगर मुझे करना हो स्ट्रिंग को तो कैसे करते हैं। नहीं आते तो बोल दो, मसला नहीं, मैं आगे बढ़ूं समझाऊं। बेहतरीन अली वाजिद, इन्वर्टेड कॉमास को इस्तेमाल करके, हाँ सही है दहन सारी, इन्वर्टेड कॉमास को इस्तेमाल करके हम लोग स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं। किसी भी इंटीजर को इनिशियलाइज करना तो जीरो से करते हैं, सही। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी इस सवाल के लिए, कोई भी सूडो कोड लिख रहे होते हैं तो हम, मैंने सबसे पहली चीज कही है कि 3 लाइनें छोड़नी है। क्यों छोड़ते हैं, डिक्लेरेशन के लिए छोड़ते हैं, सिर्फ छोड़ते नहीं मतलब करनी होती है, एंड में करनी होती है, सही। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे बनाने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, सपोज करो डिक्लेयर। आप सब गौर से देखें, डिक्लेयर मैंने इसको नाम दे दिया एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स नाम दिया है, कॉलन एरे स्क्वेयर ब्रैकेट, स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर पहले मुझे रोज को बताना होगा, लोअर बाउंड और अपर बाउंड बतानी होगी। सो 500 रोज हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1:500, 45 कॉलम्स हैं तो 1:45, स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज्ड, ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग है। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को मसला होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब गौर से सुनो, इसके बाद आप लोगों ने नेस्टेड लूप का, हम लोग क्या करते थे, फॉर लूप लगाते थे और उसके अंदर एक ही एलिमेंट होता था तो हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर रहे होते थे। इसके अंदर आप लोगों ने फॉर लूप लगाना है, कैसे लगाना है, अब ये देख लो सब। फॉर एक मैंने वेरिएबल बनाया रो इंडेक्स के नाम से, अब सब गौर से देखें इसको, एक वेरिएबल बनाया मैंने रो इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to जितनी भी रोज हो, 1 to 500। इसके अंदर मैं एक और लूप चलाऊंगा,
इंडेंटेशन, क्या इंडेंटेशन, किस चीज की इंडेंटेशन ब्रो? सर फोर के बाद नहीं देनी, जब फोर लिखना है, फोर लिखा आपने। हाँ नहीं, ये तो वो है ना जैसे फॉर काउंट करता था ना मैं, फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to 500, बिल्कुल वैसे ही लिखा है मैंने, फॉर रो इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 500, बेसिकली लूप बनाया मैंने एक, ये फॉर का लूप होता है ना, एक फॉर सही का सही। लूप बनाया जिसके अंदर एक वेरिएबल है रो इंडेक्स जो बार बार आइटरेट होता रहेगा, आइटरेट मतलब चेंज होता रहेगा, पहली दफा जब लूप चलेगा तो रो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, जैसे मैंने काउंट के साथ एक्सप्लेन किया था ना, बिल्कुल सेम सीन है। और इसकी इनर लूप जो है, इनर लूप मैंने बनाया, अच्छा इनर लूप मैंने क्या बनाया, कॉलम इंडेक्स के लिए बना दिया, फॉर कॉलम इंडेक्स, इनकी जगह आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हो, मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा समझ आती रहे, इससे ना हम लोग को ज्यादा बेहतर समझ आ जाता है। कितनी कॉलम्स थे, कितने कॉलम्स है, 45 कॉलम है, 1 to 45 तक का लूप चला दूंगा मैं अंदर। इसके बाद क्या करना है, बाकी सारी चीजें सेम है जैसे हम लोग उसके अंदर करते थे 1DRA में, जो भी इंस्ट्रक्शन करनी होगी, जो भी सर्चिंग करनी होगी, सब गौर से सुने आप, जो भी सर्चिंग करनी है, जो भी स्टोर करना है, जो भी इनपुट करवाना है, वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगा, दूसरे लूप के अंदर, सब गौर से लिख लो, इसको लिखना है तो लिख लो कहीं। अगर हम लोग इनिशियलाइज करवाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एरे का नाम, एम्प्टी बॉक्स, फिर आएगा आपका रो इंडेक्स, कॉमा कॉलम इंडेक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू इनिशियलाइज्ड, एंड फॉर, और एंड फॉर, और मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, रो इंडेक्स इस्तेमाल किया एज अ वेरिएबल, कॉलम इंडेक्स एज अ वेरिएबल इस्तेमाल किया, मैं यहां पर डिक्लेयर कर दूंगा दोनों को। फिर से सुन लो सब, गौर से सुन लो, अब देखो एक दफा मैं इसको लूप को चला के दिखाता हूं। सपोज करो सबसे पहली दफा आउटर लूप चल रहा है, आउटर लूप का मतलब है रो इंडेक्स में क्या वैल्यू है, जल्दी जल्दी चैट पे सबका जवाब चाहिए, पहली दफा आउटर लूप चल रहा है तो रो इंडेक्स की पहली दफा में क्या वैल्यू होगी, चैट पे जवाब चाहिए सबका, सब डायरेक्ट मैसेज करते हैं। इमाद मुझे बताना जरा, नहीं इमाद, इमाद देखो मैंने सवाल क्या किया, गौर से सुनो, जब पहली दफा आउटर लूप चलेगा ये फॉर रो इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 500, तो जब पहली दफा चलेगा तो रो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहली दफा, इमाद जो तुमने पहले आंसर आंसर दिया वो गलत है, देखो इसको फॉर लूप से सीखो जल्दी, फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to 10 करता था मैं, और मैं करता था प्रिंट काउंट कर देता हूँ, एंड फॉर करता हूँ। अब मुझे ये बताओ इमाद, जब ये पहली दफा लूप चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, क्या प्रिंट होगा, नहीं इमाद जो मेरी 1 से 2 तक की वैल्यूज है ना, तो पहली वैल्यू काउंट की 1 होगी, जब दूसरी दफा चलेगा तो 2 होगी, जब तीसरी दफा चलेगा तो 3 होगी, बेसिकली फॉर लूप में ऑटोमेटिक काउंट की वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही होती हैं, अब याद रहेगा ये, अब याद रहेगा, चलो अब मुझे फिर से जवाब दो इमाद, जब फॉर रो इंडेक्स इक्वल टू 1 to 500 आउटर लूप जो है वो पहली दफा चलेगा तो उसकी वैल्यू रो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, बेहतरीन। अब ये पहली दफा चल के रुक गया यहाँ पे, सही है, इसके बाद इनर लूप पर आएगा, इनर लूप 45 दफा चलेगा, जब ये इनर लूप पहली दफा चलेगा तो कॉलम इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सब जवाब दें, सबका जवाब चाहिए, जब कॉलम इंडेक्स वाला फॉर लूप पहली दफा चलेगा तो कॉलम इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, अरे मेरे भाई इमाद,
अंदर लूप की बात कर रहा हूँ आप, मैं इनर लूप, इनर लूप में कॉलम इंडेक्स इक्वल टू 1 to 45 है, तो जब पहली दफा ये चलेगा 1 to 45 है तो अंदर वाला लूप पहली दफा जब चलेगा तो कॉलम इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? अब सही जवाब आया तुम्हारा, 1 होगी, जाहिर सी बात है। फिर जब दूसरी दफा चलेगा तो कॉलम इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और रो इंडेक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी, मतलब ये 1 रहेगी। और ये बेसिकली वेरिएबल्स लिखे ना मैंने यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स के साथ यहाँ पे, तो ये बेसिकली वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी किन से, जो भी लूप्स की वैल्यूज होंगी। क्या मतलब हुआ मेरा, पहली दफा लूप चल रहा था आउटर रो इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, यहाँ से हमने पता लगाया, और कॉलम इंडेक्स जब पहली दफा चल रहा था उसकी वैल्यू 1 थी, उसने क्या किया, एम्प्टी बॉक्स 1,1 पे गया, इनिशियलाइज कर दिया, इतना सा काम है। अब देखो रो इंडेक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी जब तक ये इनर 45 दफा लूप खत्म ना हो जाए, हमने ऊपर सीखा था ना, ये यहाँ पे देखो कहाँ चला गया, अल्लाह बचाए, हाँ यहाँ पे सीखा था हमने, जब काउंट की वैल्यू 1 थी इनर लूप 5 दफा चल रहा था, फिर काउंट की वैल्यू 2 थी फिर इनर लूप 5 दफा चल रहा था, ऐसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। तो सपोज करो रो इंडेक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी, अब कॉलम इंडेक्स की वैल्यू चेंज होके 1 से 2 हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1,2, ऐसे करके फिर वो इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर इनिशियलाइज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ऐसे फिर जब 45 दफा ये खत्म हो जाएगा फिर रो इंडेक्स वाला लूप स्टार्ट हो जाएगा, रो इंडेक्स वाली वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,1, फिर ऐसी कॉलम इंडेक्स की वैल्यूज। जल्दी से मुझे बताओ कि क्लियर है सबको, सवाल दे दूं? चलो इसका सवाल देखते हैं। आपको सर्चिंग करना आती है ना, आप देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट तुम लोग लगा पाते हो उसमें। केस टू सर्चिंग, ये ऑल दो सवाल मैंने कराना था लेकिन ये तुम लोगों को आना चाहिए। कॉन्सेप्ट सारा 1D एरे वाला ही है लेकिन पहले रो इंडेक्स क्यों नहीं चलेगा, क्या मतलब? इमाद मुझे माइक खोल के बताओ, समझाओ क्या कहना चाह रहे हो। सर आप कह रहे थे ना कि पहले कॉलम इंडेक्स का वो चलेगा, क्या नाम है, लूप, तो पहले सर रो इंडेक्स का नहीं चल सकता? देखो पहले हम लोग रो इंडेक्स का चला रहे हैं, पहले हम रो इंडेक्स का चलाते हैं, वो वैल्यू 1 कांस्टेंट रह जाएगी, फिर कॉलम इंडेक्स का लूप 45 दफा चलेगा, पहले रो इंडेक्स का ये पैटर्न है। वैसे आप कर सकते हो, अगर लॉजिकल थिंकिंग का तुम सवाल कर रहे हो ना, हाँ आप कर सकते हो, मतलब अगर मैं कहूँ कि पहले मुझे कॉलम को फिल करना स्टार्ट करना है तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी मैं उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा तुम लोग को, क्योंकि ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये 15 दिन का कोर्स नहीं है, ये तकरीबन 6 से 7 महीने या 8 महीने का कोर्स है, बल्कि ज़्यादा कर लो क्योंकि ओ लेवल्स भी का तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो सब चीज़ें 15 दिन के अंदर कराना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल है और तुम लोगों के लिए समझना भी मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने एक फिक्स पैटर्न कर दिया इसका कि रो इंडेक्स को पहले करा करो फिर कॉलम इंडेक्स करा करो, क्लियर है? मतलब पहले तुम रोज के अंदर एक रो को फिल करोगे। क्या कह रहे हो अहमर? अहमर क्या कह रहे हो? एक दफा तशरीह कर दें, जिस सवाल ने इसका सवाल दिया, ये जो लिखा हुआ कोड इसका सवाल दिखा दें, इस पर्टिकुलर कोड का सवाल ये देखो। तो इसमें मुझे एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है और मुझे जी तो हाँ बोलो, रो इंडेक्स बात के बारे में, रो इंडेक्स को किया एक्सेस, फिर आपने कॉलम इंडेक्स को किया और उसके आपने एम्प्टी बॉक्स जो है रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स कर दिया, क्यों? यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये स्टडी किया था ना, इंडिविजुअल एलिमेंट को हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे थे, पहले रोज की वैल्यूज फिर कॉलम्स की वैल्यूज। मतलब ठीक है, वो आपने जब देखो, empty box इस पर्टिकुलर से समझाऊं तो मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं। नहीं ये वाली वो तो सही है, तुम लोग भी देख लो बाकी सब भी, कि पहले एक पूरी रो फिल हो जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी रो फिल होगी, फिर तीसरी रो फिल होगी, फिर चौथी रो फिल होगी, इस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं।
सही है। कोई सवाल और, किसी और को कुछ पूछना है? चलो अब ये सवाल सॉल्व करो, सर्चिंग का सवाल है। अब मुझे किसी की भी काउंटिंग की गलती मिली ना, मैं वो सवाल तुम लोगों को 50 से 100 दफा लिखवाना है मैंने, फिर बोल रहा हूँ मैं। 100 दफा लिखोगे अगर अब काउंटिंग की गलती मिली मुझे। हाँ पूछो अहमद, क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं कर रहा। जल्दी से करके सब मुझे व्हाट्सएप करें। तो मैं देख रहा हूँ हाशिम और अंजुआ से तुम लोग पे। अगली बार जो तुम्हारा देख रहा हूं मैं।
वाली बात बिल्कुल सही है, बेहतरीन जवाब है। हाशिम गलत सवाल, गलत किया है। देखो तुमने जो उसको इस्तेमाल किया ना, हाँ भेजा है क्या तुमने, कुछ भेजा है क्या? आखिर अगर तुम गौर से देखो इसको, तो पहली चीज के एरे का नाम देखो, एरे का नाम क्या है? सर्च बॉक्स। पहली गलती, एरे का नाम तुमने गलत लिखा हुआ है इफ स्टेटमेंट के साथ। और इफ स्टेटमेंट में जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स है ना, उसके अंदर दो चीजें आती हैं। इस एग्जांपल को देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स, राइट? तो सिर्फ अगर तुम इंडेक्स लिख रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, इंडेक्स के तो तुमने कोई कहीं इस्तेमाल भी नहीं किया। तो फिर से ट्राई करो। अली वाजिद तुम्हारा सही है, अहमर मैं तुम्हारा चेक करूंगा। अहमर तुमने बेहतरीन सही से सॉल्व किया सब चीजें। जी सर, फिर एक सेकेंड। अच्छा मेन चीज ये है, तुमने सब सही किया है, लेकिन देन एम्प्टी रिपीटेड इक्वल्स टू एम्प्टी प्लस वन वाला जो किया है ना, उसमें तुमने क्या गलती कर दी? देखो जरा जाके, दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए काउंटिंग के जी सर, अंदर। माशाल्लाह, क्या क्या मैंने लॉजिक पहले बताओ। उसको मैंने उसको पहले एम्प्टी रिपीट को जीरो किया तो था। अच्छा तुमने किया एम्प्टी रिपीटेड इक्वल्स टू एम्प्टी अच्छा रिपीटेड अच्छा प्लस सही वन सही होना सही चाहिए। ठीक 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 वो एम्प्टी रिपीटेड प्लस सही 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 था, वो जगह नहीं थी ना, तो वो शायद भूल गया मत मैं। करो, तो जगह नहीं थी कहानी। सही है तो मतलब ठीक है, गलत नहीं किया मैंने। डिक्लेयर अकाउंट जो सही है उन्होंने सही है। अच्छा अब्दुल्ला खान, तुमने गलती की है। क्या गलती की है? बाकी सब सही है, लॉजिक सही है, इंडिविजुअल एलिमेंट को सही से एक्सेस किया है, लेकिन गलती क्या की है, तुमने एक ही दफा एंड फॉर किया है, लेकिन तुमने दो लूप्स इस्तेमाल किए। जब दो लूप्स इस्तेमाल होंगे तो दो दफा एंड फॉर होगा। क्लियर है? सर, यस सर, ग्रीन हो गया। अच्छा तुमने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मेरे भाई हाशिम साहब, क्या आदत है तुम्हें ये, एम टी को एम टी प्लस के बाद एल्स क्यों लगा दिया? अच्छा एल्स क्यों लगा दिया फिर से? इमाद साहब आपकी बारी इमाद साहब, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कॉन्सेप्ट को समझो, वर्किंग को मत छापो। पहली चीज, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे क्वेश्चन में 5 और क्वेश्चन में 6 की कोई गारंटी नहीं ले सकता मैं, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज यह है, आपने क्या क्या गलतियां की हैं, तुम इतना कंफ्यूज हो गए कि तुम फॉर लूप लिखना ही भूल गए हो, मतलब समझ रहे हो? देखो सर, अरे भाई अल्लाह के बंदो, बिना कसम से अल्लाह के
प्रोफाइल इमाज जरा देखना अब इसको गौर से। फॉर का लूप कैसे लगाते थे तुमने ये देखो, इतना कंफ्यूज चल रहे हो कि तुमने एरे का वो लिख दिया इंडेक्स। लिखना क्या होता था, फॉर रो इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 500, कॉलम इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 30, समझ रहे हो? इमाद समझ रहे हो? आओ का क्या मतलब, कुछ पूछना है? देखो तुम्हारे ऊपर दिखाता हूँ तुम्हें, तुमने जो कोड भेजा था ये तुम्हारा है ना सर? मैं बोल रहा हूँ ये मेरे से गलत कैसे हो गया, ये गलत कैसे हो गया? ओके ओके चलो। बहरहाल फॉर रो इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 500, फॉर कॉलम इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to 30। मैंने सवाल में क्या कहा था, प्रिंट हाउ मेनी टाइम्स इट वाज रिपीटेड, क्या मतलब? बेसिकली तुमने ये सब काउंटिंग सही की, रिपीटेड इक्वल्स सही है, रिपीटेड इक्वल्स रिपीटेड प्लस 1 सही है, आखिर में तुमने एम्प्टी प्रिंट कर दिया। मतलब फायदा क्या हुआ उसका फिर इतनी सारी मेहनत करने का, जब तुमने प्रिंट ही एम्प्टी करना था यहाँ पे। प्रिंट रिपीटेड होगा सर। यस सर, बेहतरीन, जब सब पता है तो फिर कर लिया करो भाई। क्या आएगा यहाँ पे, प्रिंट रिपीटेड, लिखते हुए पता ही नहीं चलता क्या लिख रहे हैं। ओके ब्रदर, नो इशू। दान सारी साहब आपका देख रहे हैं, फॉर रो इंडेक्स फॉर कॉलम, पता नहीं क्या है ये, कॉलम इंडेक्स इक्वल्स टू एम्प्टी देन एम्प्टी इक्वल्स टू एम्प्टी प्लस वन एंड फॉर एंड फॉर। छा गए जी आप, दान सारी साहब अब्दुल्ला अशफाक आपको चेक कर लेते हैं अगर आप चाहें तो। ओके 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 सही है जी आपका भी। हाशिम ब्रदर आपने फिर से भेजा है, लेट्स सी। हाशिम रिटर्न की स्पेलिंग गलत लिखी है तुमने, कभी तो सही कर लिया करो पूरा सवाल। बाकी सब सही था। चलो जी, और कॉमा कॉमा नहीं लगाया करो, अगर ऐसे लिख रहे हो तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर दिया करो। कॉमा जब लगता है जब आपको नंबर्स वंबर्स होते हैं दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, तो कंकैटिनेशन वाली लॉजिक इस्तेमाल किया करो। इट्स ओके ब्रदर, गॉट एग्जाम है, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो जी, ये समझ आ गया आप लोगों को, अब एक और सवाल सॉल्व कर दो भाई, क्लास ही खत्म कर दें फिर हम। अब तो आता है आप लोगों को, अब हम करेंगे फुल ऑन स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग। आजो जी, आखिरी सवाल सॉल्व करो और जाओ। सर इतनी जल्दी? भाई उनको जाना है अहमर साहब को आज। ब्रो इफ यू कैंसिल इट आई विल किक यू। सपोर्ट, स्टे होम, क्या लिखते हो भाई तुम लोग भी। चलो जी तुम लोग सॉल्व करो इसको सुकून से बैठ के, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करोगे और उसको बस रिप्लेस कर दोगे। द बेस्ट ट्यूशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सर ये थोड़ी सी हिंट है, रिप्लेस कैसे होता है? नो ब्रदर, यूज योर ब्रेन इज द हिंट।
एक हिंट दे देता हूँ मैं, चलो क्या याद करोगे। एरे इज अ टेम्पररी मेमोरी। इफ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ सेम एलिमेंट द न्यू वैल्यू विल बेसिकली रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू। समझ आई? फिर से बोलूं? बेहतरीन, अब सुन लो फिर से। एरे जो होती है बेसिकली टेम्पररी मेमोरी है। अगर उस पर कोई पुरानी वैल्यू स्टोर हुई भी है और आप उस पर नई वैल्यू स्टोर कर दें तो पुरानी वैल्यू इज बेसिकली रिप्लेस्ड विद द न्यू वैल्यू। सॉल्व करो इसको जल्दी से और भेजो मुझे। ही अब्दुल्ला अशफाक, इनको वाला सवाल दूं मैं? कौन सा वाला सर? याद करो जो मैंने कराया था लास्ट ईयर 2D एरे में। ओ वो रिफ्लेक्शन वाला। यस ब्रो, फ्लिपिंग फ्लिपिंग। देन सर कसम से सर, वो मैंने 10 मिनट के अंदर कर लिया था है ना, मैंने और शहरयार ने मिलके। तुम और शहरयार एक साथ थे ना? हाँ, लेकिन सबसे बड़ी हिंट देनी पड़ी थी, लेकिन अच्छा था, कर लिया भाई। क्या बात है आपकी सर, वो हिंट मुझे वैसे भी आती थी सर। मतलब डिस्कस मत करो, नहीं दिखती कितने पानी में ये लोग, कितना दिमाग चलता है इन लोगों का। अली वाजिद कर लेगा, हाशिम भी कर लेगा। फिजा को दिया था मैंने वो सवाल, फिजा से भी नहीं हो पाया, मतलब हो गया था लेकिन नहीं हो पाया, ये वाली बात है। हिंट देनी पड़ी। ये किसने भेजा? अली वाजिद, आप छा गए जी, बिल्कुल सही भेजा आपने। अहमद, टाइम है तुम्हारे पास? बल्कि अहमद ने तो किया हुआ है पिछले साल, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं मुझे। सर अहमद नहीं था उस क्लास में? नहीं, मैं इसको अलग से कराया था, इसकी मैं अलग से क्लास ले कर। बड़े लोग पैसे ज्यादा देता सर। नहीं, अली वाजिद एक क्लास एक सवाल कर लो भाई, तफरी के लिए। तफरी? हाँ, मुझे पता है इनसे होना नहीं है, आखिर मुझे करना पड़ेगा। सर टॉर्चर को आप तफरी कह रहे हैं? आसान वाला दूं, मुश्किल वाला दूं? मुश्किल वाला भाई, तुम लोग भी भेज दो, इतना बच्चों वाला सवाल है ये तो, जो भी तुम लोगों को दिया है। अच्छा, मैंने तुम्हारा चेक नहीं किया, अब्दुल्ला अशफाक भेज तो दिया था। कॉलम इक्वल्स टू और कॉलम इक्वल्स टू 56 है, सही है। एक्सेस बगैर कॉलम इक्वल्स टू 100, कॉलम इक्वल्स टू 100, सही है। इंडिपेंडेंट फॉर, वैसे अंतुल जो तुमने कोड लिखा है वो चलेगा ही नहीं। वो क्यों सर? यहाँ पे एस था, वहां पे एस नहीं है। तो सर कोड तो चलेगा ना? कोड तो चलेगा, आंसर नहीं आएगा ना। पेपर्स डॉग और पेपर डॉग का फर्क माफी। गलतियां देखो, इसलिए कहते हैं क्लास ले लिए थे, सब नहीं होता कि तुम डेटाबेस के बजाय ये पढ़ते। अली वाजिद बस एक सवाल करा, नुक्ते निकालने होते हैं आपने मेरे कोड में कसम से। और मुश्किल से ढूंढी, देखो ढूंढ ली। लेकिन कहा अंसारी साहब, आपके एलसीडी काम करना बंद हो गया क्या? एलसीडी टैबलेट पेज पर आ गए आप? ब्रो व्हाट आर यू डूइंग? सही है। अच्छा एक चीज है। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ मैं भेज रहा हूँ अली वाजिद। यार अब्दुल्ला भाई आप फारे हैं, अब्दुल्ला अशफाक साहब, एक काम करते हैं भाई, आप वो खोलना अब्दुल्ला अशफाक। यस सर। May-June 2018 पेपर 22 क्वेश्चन 6, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और भेज दो ग्रुप पे। May-June 18
पास है लेकिन उस पर वाटर मार्क लगा हुआ है। ओके सर अभी निकालता हूँ, ऊपर सेंड कर दो, देखते हैं कितने उसमें आता है। अच्छा तहान सारी, मैं तुम्हें समझा रहा था कि अगर तुम सवाल को पढ़ो तो मैंने इधर कहीं नहीं लिखा कि तुमने काउंटिंग करनी है, हाउ मेनी की लॉजिक अप्लाई करनी है। मैंने सवाल इतना किया था कि रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू उस पर्टिकुलर पोजीशन जहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाओगे और वहाँ पे वैल्यू डाल दोगे पेपर्स डॉक। सवाल समझ आया? अब तुमने क्या किया, तुम काउंटिंग करने बैठ गए और फिर एंड में तुम प्रिंट कर रहे हो उसको। सवाल को समझो, एक पर्टिकुलर एरे बना हुआ है, उस एरे के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है, सपोज करो इंडेक्स 1.2, 1.2 पे आपका एम्प्टी पड़ा हुआ था, तुमने कहा 1.2 पे मुझे पेपर्स डॉग चाहिए। सवाल ये है, काउंटिंग नहीं करनी, सवाल गौर से पढ़ो, आप फिर से ट्राई करो इसको। सर चेंज करने के लिए क्या लगाते थे ये नहीं समझ आ रहा। देखो मैं फिर तुम्हें एक लॉजिक दे रहा हूँ, सपोज करो मैंने एक, मैं वेरिएबल से समझा देता हूँ एरेस का, तुम लोग खुद ग्रास करने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट। अगर मैं कहता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 5, पहली लाइन में ये लाइन नंबर 1 थी मेरी, मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू 5। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक्स की वैल्यू चेंज करनी है, एक्स की जगह मुझे अब क्या लाना है, मुझे 10 लेकर आना है, तो मैंने वही सेम चीज़ कर दूंगा एक्स इक्वल्स टू 10। अब क्या हो गया, ये पुरानी वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो गई है 10 से। अगर सपोज करो मैं 1D एरे से समझा रहा हूँ, 2D एरे की लॉजिक लगाना तुम लोग। सपोज करो मेरे एरे का नाम था सर्च, उसकी पोजीशन नंबर 1 पे, उसकी पोजीशन नंबर 1 पे स्टोर हुआ हुआ था एम्प्टी। मैंने कहा कि मुझे इसको रिप्लेस करना है, मैं वही किया सर्च 1 इज इक्वल्स टू पेपर्स डॉक कर दिया। सर समझ गया ज्यादा। चलो कर इसको, भेजा है कि किसी ने? अहमर तुम्हारा आ गया मेरे पास, अच्छा अभी सवाल आप लोग ये शुरू नहीं करेगा, पार्ट बी का जो सवाल है वो अभी शुरू मत करो, इसको ग्रुप्स बना के डिस्कस करके सॉल्व करना है, मैं इतनी सी भी तुम लोगों को हिंट नहीं दूंगा इसमें। सर इसको प्रिंट करवाना नहीं करवाना, रिप्लेस करना है ना, प्रिंट क्यों होगा, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, सिर्फ रिप्लेस कर दोगे। कोई भी सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट मत करे, अब्दुल्ला खान मैं तुम्हारा कोड चेक कर रहा हूँ, अब्दुल्ला खान तुमने लॉजिक तो सही लगाई है, तुमने क्या मतलब देन के नीचे सर्च बॉक्स में लिख दिया, सर्च बॉक्स तो इन स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आएगा। समझ आई? अब्दुल्ला खान साहब, खान बॉय, खान खान, अब्दुल्ला टू, आवाज आ भी रही है भाई।